ये सब सच है, आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ बनाई है ये सब, और मुझे भी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या है। हे गाइस, आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और सपना दीदी का वीडियो आ चुका है, आप लोग उनके चैनल पर जाके देख सकते हो। और गाइस, आप सबकी देखने की हिम्मत नहीं होगा, इतना वो रो रही है ना, इतना आपको उनके वीडियो में वो दर्द झलकेगा जिनसे उनको परेशान कर रहे थे, जो उनके चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। अभी आप लोग जाके देखिए उनके ब्लॉग में, इतना वो रो रही हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं अब जाके। और आप लोग बार बार ये कि सवाल, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, कितने लोगों ने घसीट के कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था, हर एक आदमी सवाले पूछ रहा था, दो दो बार उनके साथ हुआ है ये सब, तो उनको दुख तकलीफ इतना हो चुका है ना, टूट गई हैं वो अंदर से। अब फिर भी वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हैं, जो कैसे भी करके आप सभी के सामने आए। और हाल ही में इतना दिन के बाद वो कैमरा के सामने आई हैं, और कितने लोग उनके घर पर भी जा रहे, तो किसी से भी नहीं मिले हैं गाइज, जो आप सभी को लगे जो हाँ न्यू अपडेट कहीं से आया हो। हमने आप सभी को बताया था, सपना दीदी अगर खुद आती हैं, खुद बताती हैं कोई बात, तब जाके आप लोग यकीन करना। आप लोग ये वीडियो देखिए, जो भी कुछ हुआ है ये सब सच है, आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ बनाई है ये सब, और मुझे भी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। पर थोड़ा सा किसी को टाइम दो संभलने के लिए, कि वो अपने मुंह से इतना जो भयानक जो कुछ हुआ है वो बता सके, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं रहती कि हुआ हो तुरंत ही तुम लोग वो दे दो अपडेट, ऐसा नहीं होता। ये कोई खुशी की बात तो है नहीं कि मैं झट से आप लोगों को बता दूं या ये हो गया कि क्या हो गया। मतलब एक लड़की की लाइफ ऐसी बर्बाद हुई है, एक घर बर्बाद हो गया पूरा। तो कह देते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग बन, लाइफ है तेरी, तुझे काटनी है, बच्चों के लिए काटनी है, पर मैं करूंगी। आसान तो कुछ नहीं होता, खाना भी खाऊंगी जीऊंगी भी करूंगी मैं। है मेरे लिए पता, तीन खुशियां हैं, तीन नहीं, वैसे तो मेरी फैमिली सारी है, पर अंशु है मेरी बेटी। देखे गाइस, इसमें किस तरीके से हालत हो चुकी है दीदी की, जो आप लोग समझ नहीं सकते हो। उनका ब्लॉग देखोगे ना तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, इतनी दर्दनाक इनकी ये वाली ब्लॉग है ना। और इनकी छोटी सी बच्ची आप लोग देख लीजिए, कितनी क्यूट लग रही है वीडियो में, उस पर भी कितने लोग ने रहम नहीं किया, जो उनके पापा का इस तरीके से मौत का मजाक YT पे बना दिया था। कल के डेट में वो भी अगर बड़ी होकर YT पे देखेगी तो सोचिए उसके दिल पर भी क्या बीतेगा। और अभी जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो आप सब्सक्राइबर वापिस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो दिखाना था मैंने दिखा दिया, आपको क्या दिखाना था, आपको जितना रायता फैलाना था आपने फैला दिया, जितना आपको झूठ परोसना था सच दिखाना था सब आपने दिखा दिया है, अब आपको क्या फर्क ही पड़ेगा। जाके थोड़ा उनका दर्द देखिए, जो किस दर्द से वो गुजर रही थी, और आपने उसकी मौत पर इतना टिप्पणी किया ना, जो जितना तो YT पर किसी ने तमाशा बनाया नहीं होगा कभी भविष्य में, जितना आपने बनाया है। और गाइज, अभी यही बातें सपना दीदी भी कह रही है, जो आप लोग मेरे फैमिली हो तो थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पर नहीं, यहाँ पर किसी को भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको खाली व्यूज लाइक सब्सक्राइबे दिख रहे थे, हर कोई नया अपडेट लेके आ जाता था, पर कोई वीडियो में किसी की सच्चाई नहीं होती थी। सच्चाई इस वीडियो में है जो दीदी अपने मुंह से बयान कर रही है। गाइज, आप लोग सुनिए उनकी ये दर्द भरी, किस तरीके से उन्होंने फेस किया था। और भगवान भी ना हमेशा अच्छे लोग के साथ ही बुरा करते हैं। अब तो सपना दीदी, मैं आपसे इतना ही कहूँगी, जो आप स्ट्रांग बनिए और अपने बच्चों के लिए जिए। ऐसी बहुत सारी माँ है जिन्होंने अपनी पति को खो के अपने बाल बच्चों के दम पे आगे बढ़ी और अपने बाल बच्चे को भविष्य बनाई है, तो आप भी आगे बढ़िए ज़िंदगी में, बस यही कहना चाहूँ। थोड़ा आप भी टेंशन कम लीजिए, और YouTube फैमिली में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, जो किसी के अगर दुख में आप लोग साथ नहीं दे सकते हो तो आपका कोई हक नहीं है जो अगले का दुख भी आप लोग बढ़ाएं। तो कृपया करके मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जब सपना दीदी YT पे आ चुकी हैं तो अब अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए आप लोग, और अच्छी बातें पूछने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको इस तरीके से आप लोग बात पूछिए जो वो फिर से सदमे में चले जाएं और फिर से आप लोगों को कोई वीडियो कोई अपडेट ना दे पाए, उस पर भी फिर मुद्दा बन जाएगा। तो गाइज, आपने हुई है, अब आप लोग देख सकते हो, और दीदी भी यही कह रही है, जो कोई ये खुशी की बात नहीं है जो मैं आके आप सभी के साथ शेयर करती, और क्या बताती कैमरा के आगे, क्या आप लोग सुनते और क्या आप लोग समझते, इतना किसी के लिए आसान नहीं होता है, जब खुद पे बीतती है ना तब वो बात पता चलता है जो कितना दर्दनाक है वो बात।
पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये सब बातें। कुछ लोग ना ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते हैं पर बात की गहराई में नहीं जाना चाहते, कभी भी नहीं जाना चाहते। अभी आप लोग इनका वीडियो देखोगे ना तो सच कह रही हूँ, दिल आपका पसीज जाएगा और आँख से आंसू आ जाएगा आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।